देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस घाटे के चलते बंद हो गई है। गाजियाबाद स्थित साइबाबाद में स्थित कंपनी के आखिरी प्लांट को बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। फैक्ट्री पर तालाबंदी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आर्थिक पैकेज के बीच कल कारखाने बंद होना बेहद चिंताजनक है। वहीं फैक्ट्री बंद होने के मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रोज MOU कर रही है, लेकिन लोगों की नौकरियां लगातार जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और किसने क्या क्या कहा, इस बारे में जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 3 जून यानी विश्व साइकिल दिवस के मौके पर प्रसिद्ध साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री को बंद करने के आदेश जारी किए गए। इस कंपनी में 1000 से अधिक लोग कार्यरत थे, जो अब एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, इतने असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में मायावती ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बंद पड़े उद्योगों को खोलने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही है, जबकि यहां कारखाने बंद होने की खबरें आ रही है। सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा, ऐसे समय जबकि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों को खोलने के लिए आर्थिक पैकेज आदि सरकार मदद देने की बात की कही जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एटलस जैसी प्रमुख साइकिल फैक्ट्री के धन अभाव में बंद होने की खबर चिंताओं को बढ़ाने वाली है, सरकार तुरंत ध्यान दे तो बेहतर है। अपने एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी में घर वापसी करने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों में से मात्र 3% को ही कोरोना पीड़ित पाए जाने की खबर बड़ी राहत देने वाली है, खासकर तब जब कोरोना के बढ़ते रोग के लिए इन्हें ही दोषी ठहराने का प्रयास है। इसी आशंका के तहत इन मजलूमों के घर वापसी में देरी की जा रही थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो UP। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।